सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि ठीक होंगे आप लोग। तो दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो के अंदर मैं आप लोग को कुछ इस टाइप का सीवी फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बहुत ही आसान तरीके से इस वाले वीडियो के अंदर बताया हूं, और ये वाला वीडियो काफ़ी बड़ा नहीं है, आप लोग देख सकते हैं, और हम लोग का फोटो एडिटिंग कुछ इस टाइप का होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इस सिंपल फोटो को हम लोग शेयर कर लेंगे यहाँ पे स्नैपचैट एप्लीकेशन में। तो दोस्तों, ये ऐप आप लोग को प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो ओपन करने बाद सबसे पहले यहाँ पे नीचे टूल्स पर क्लिक कर देना है, और उस पर क्लिक करने बाद यहाँ पे आ जाना है, और आप लोग को यहाँ पे ड्रामा पर क्लिक कर देना होगा। और उसके बाद आप लोग को इधर आ जाना है, और यहाँ पे नीचे ब्राइट वन पे क्लिक कर देना है, और इसके बाद इसको राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। तो सेव करने बाद क्या करना है, ऊपर उस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद बी एडिट पर क्लिक कर देना होगा, और बी एडिट पर क्लिक करने बाद नीचे यहाँ पे ड्रामा वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और ड्रामा पे क्लिक करने बाद ब्रश वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। और इसके बाद क्या करना है, हम लोग को इस वाले यहाँ पे देख सकते हैं, इसको 100 पे रख लेना है, और कुछ इस तरीके से इसको स्क्रीन पर अप्लाई करना है। तो आप लोग देख सकते हैं, हम लोग का वन क्लिक में स्क्रीन गोरा हो रहा है। तो आप लोग अपने स्क्रीन को कुछ इस तरीके से गोरा कर सकते हैं, और इसके बाद इसको यहां से सेव कर लेना है। तो सेव करने बाद फिर से क्या करना है, यहां पे नीचे टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और उस पर क्लिक करने बाद यहां पे आ जाना है, और विंटेज पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद यहाँ पर 12 नंबर वाले ऑप्शन पर आप लोग को यहाँ पर क्लिक कर देना होगा, और इस पर क्लिक करने बाद सेचुरेशन -100 तक रहेगा, और इसके बाद इसको राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सेव कर लेना है, और सेव करने बाद ऊपर उस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा, उसके बाद बी एडिट पे, और बी एडिट पर क्लिक करने बाद नीचे विंटेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद ब्रश वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। और ब्रश पर क्लिक करने बाद क्या करना है, नीचे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और इस पर क्लिक करने बाद इसको 0 रख कर कुछ इस तरीके से जो भी ब्लैक निशान है इसको स्क्रीन पर से कुछ इस तरीके से रिमूव कर लेना है। तो मैं फटाफट से रिमूव कर लेता हूं, और इसके बाद राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। तो सेव करने बाद क्या करना है, इसके बाद फिर से नीचे टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और इसके बाद यहाँ पर आ जाना है, और डबल एक्सपोजर पर क्लिक कर देना है, और इस पर क्लिक करने बाद नीचे प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा, और इस पर क्लिक करने बाद हम लोग एक पीएनजी को ऐड कर लेंगे। तो यहां से बैकग्राउंड को ऐड कर लेते हैं, और थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ऑपेसिटी फुल कर लेंगे, और इसके बाद राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। तो सेव करने बाद क्या करना है, ऊपर उस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद बी एडिट पर, और बी एडिट पर क्लिक करने बाद नीचे डबल एक्सपोजर पर क्लिक कर देना है, और उस पर क्लिक करने बाद ब्रश वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा, और ब्रश पे क्लिक करने बाद क्या करना है, यहाँ पे इसको 100 पे रख लेना है, ठीक है, और बैकग्राउंड को कुछ इस तरीके से रिमूव करना है। तो आप लोग को क्या करना है, वो फुल जूम कर लेना होगा बैकग्राउंड को, और कुछ इस तरीके से आप लोग अपने बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है, यहाँ से राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। तो सेव करने बाद फिर से क्या करना है, यहाँ पे नीचे टूल्स पर क्लिक कर देना होगा, और इसके बाद नीचे यहाँ पे डबल एक्सपोजर पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद नीचे यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा, और प्लस पे क्लिक करने बाद हम लोग फिर से एक और पीएनजी को ऐड कर लेंगे, और ऐड करने बाद बीच वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और बीच पर क्लिक करने बाद क्या करना, हम लोग इसको यहाँ पर ओवरले पर रख लेंगे, ठीक है, ओवरले पर रख लेना है, और इस पर क्लिक कर देना है, और इसको राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सेव कर लेना होगा। तो सेव कर लेते हैं, और सेव करने बाद क्या करना है, ऊपर उस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और उस पर क्लिक करने बाद बी एडिट पे, और बी एडिट पे क्लिक करने बाद नीचे यहाँ पे डबल एक्सपोजर पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद ब्रश वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा, और ब्रश पर क्लिक करने बाद क्या करना है, यहाँ से हम लोग को इसको 100 पे रख लेना है, ठीक है, और कुछ इस तरीके से इसको टी शर्ट पर अप्लाई करना है। इसे आप लोग देख सकते हैं, टी शर्ट का कलर चेंज हो जा रहा है काफ़ी अच्छे तरीके से। तो आप लोग कुछ इस तरीके से टी शर्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, और इसके बाद इसको राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। तो सेव करने बाद फिर से क्या करना होगा, यहाँ पे नीचे आ जाना है, और नीचे टूल्स पर क्लिक कर देना होगा, और इस पर क्लिक करने बाद यहाँ पे आ जाना है, और पोर्ट्रेट पर क्लिक कर देना होगा, और पोर्ट्रेट पर क्लिक करने बाद क्या करना है, इसको स्मूथ टू वाले ऑप्शन पे रख लेना है यहाँ पे, ठीक है,
और इसका हम लोग स्किन स्मूथ बढ़ा देंगे और आई क्लियरिटी थोड़ा सा इंक्रीज और फेस स्पॉटलाइट भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे। और इसको राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। तो सेव करने बाद क्या करना होगा, फिर से नीचे यहाँ पे टूल्स पर क्लिक कर देना होगा और इसके बाद यहाँ पे आ जाना है और सेलेक्टिव को ले लेना है। और सबसे पहले क्या करना है, जहाँ ब्लैक निशान है वहाँ पर रख लेना है और यहाँ सेचुरेशन कम और ब्राइटनेस को इंक्रीज करना है। और उसके बाद कुछ इस तरीके से आप लोग अपने फेस पर इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और आप लोग का ब्राइटनेस कम होगा तो ब्राइटनेस को इंक्रीज करिएगा, सेचुरेशन ज़्यादा होगा तो सेचुरेशन को कम करिएगा, ठीक है। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से इसको सेव कर लेना होगा। तो सेव करने के बाद आफ्टर बिफोर करके आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद फिर से नीचे टूल्स पर क्लिक कर देना है और इसके बाद यहाँ पे आ जाना है और फिर से डबल एक्सपोजर पे क्लिक कर देना होगा। और इस पर क्लिक करने में नीचे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम लोग एक और पीएनजी को ऐड कर लेंगे और ऐड कर लेते हैं। और ऐड करने के बाद बीच वाले कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है और बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको लाइटन पे रख लेना होगा और यहाँ पे राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सेव कर लेना होगा। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग का फोटो एडिटिंग हो चुका है।